और जल्दी जल्दी गाड़ी भगाओ, आज कैसे भी करके हमें इस जुगनू को पकड़ना है। अरे भगाओ जल्दी, अरे भगाओ गाड़ी ने। हे भगवान, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ जाता हूं, फिर बाद में देखता हूं कि आगे क्या करना है। रखा गया यो, जाओ जा कर देखो इसने कहां छिपाए। रघुवीर तुम उधर जाओ, धर्मेश इधर आओ, तुम बाकी मेरे पीछे आओ। अरे अरे अरे, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेले कैसे जाऊं? उस जुगनू के हाथ में मैंने चाकू देखा था, कहीं वो मुझे उससे कोई हानि ना पहुंचाए। एक काम करता हूँ, ये गाड़ी में बैठ जाता हूँ, ये दोनों से पकड़ ही लाएंगे। अबे जुगनू कहाँ गया रे? अगर आज ये जुगनू मेरे हाथ से निकल गया तो ये दरोगा मेरा ट्रांसफर करवा देगा। जुगनू पुलिस के डर से पेड़ पर चढ़ जाता है और रघुवीर और धर्मेश पूरे गांव में जुगनू को ढूंढते हैं, लेकिन जुगनू चोर उन्हें कहीं नहीं मिलता। थक हार कर बेचारे घबराते हुए दरोगा के पास जाते हैं। दरोगा जी, हमने गांव में अच्छे से उस जुगनू चोर को ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला, उसने फिर से हमें बुद्धू बना दिया। तुम दोनों ने अच्छे से पूरे गांव में उस जुगनू को ढूंढा है ना? जी दरोगा जी, हमने अच्छे से पूरे गांव में उस जुगनू चोर को ढूंढा है, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। नहीं, मैं उस जुगनू को पकड़ के रहूंगा। रामप्रसाद दरोगा को बुद्धू बनाना आसान नहीं है, इस पूरे गांव का दरोगा में दरोगा। दरोगा की बात सुनकर रघुवीर और धर्मेश एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। रामप्रसाद दरोगा के जाते ही जुगनू की सांस में सांस आती है। आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो आज ये रामप्रसाद दरोगा तो मुझे पकड़ ही लेता। अभी यहाँ रुक जाता हूँ, आगे बाद में सोचूंगा। जग्गू ओए जग्गू, कहाँ है रे तू? जग्गू ओ जग्गू, खड़ा हो, जरा मेरे लिए कप चाय तो बना दे। अरे ओ जग्गू, अरे सुन ले, खड़ा हो जा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जग्गू की माँ के बार बार उठाने के बाद भी जग्गू नहीं उठता है। ओ जग्गू सुन ले रे, देखो देखो कितनी बेहोशी में सो रहा है। अरे ओए जग्गू खड़ा हो, नहीं तो तेरी खैर नहीं आज फिर। जग्गू के ना उठने पर जग्गू की माँ गुस्से में वहाँ रखे पानी से भरे जग को उठाती है। रुक तू, तुझे अभी बताती हूँ मैं, तेरी ये गहरी नींद अभी तोड़ती हूँ, रुक जरा। अरे माँ रे, ये त्या हो दिया रे, ये बाढ़ तहाँ ते आ गई। अरे अरे, मैं तो धरते अंदर ही हूँ, लेकिन ये पानी तहाँ ते आया? अब खुली तेरी आँखें? माँ मुझ पर ये पानी क्यों डाला? इतनी देर से जगा रही हूँ तुझे, लेकिन तू है कि जाग ही नहीं रहा। अरे मेरे लिए एक कप चाय बना दे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अले थुबा हो गई थी माँ? ना 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 ना, ना। सुबह कहाँ हुई, अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए सूरज चांद से मिलने आया है। अले माँ, वो तुमने इतनी तेज पानी फेंका मेरे ऊपर तो मुझे सही से धड़ी दिखाई नहीं दी, वैसे थमे क्या हो गया? तेरा ये जानना जरूरी नहीं है, मेरे ऊपर एक एहसान कर दे और जा जाकर मेरे लिए कप चाय बना के ला, समझा? ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ। जग्गू नींद में उठकर अपनी माँ के लिए चाय बनाने रसोई में जाता है। अरे माँ, ये तीनी तो खत्म हो गई है, अब चाय तैथे बनाऊँ? तो जा बाजार से जाकर लेकर आना फिर। क्या है माँ, अब थुबा थुबा बाजार जाना पड़ेगा? तो अब चीनी लेने बाजार ही जाना पड़ेगा, चीनी खुद से चलकर तो आएगी नहीं ना, जा जाकर बाजार से चीनी लेकर आ। एक तो माँ थुबा जल्दी उठा देती है, ऊपर थे थुबा थुबा मुझे बाजार भेज दिया। अबे ओए जग्गू, ये सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? अबे तुझ नहीं यार, माते तल थे थिर में दर्द हो रहा है, तो उनके लिए ताय बनानी है और घर में तीनी खत्म हो गई है, इसलिए तीनी लेने आया था। अबे और तेरी मौसी गई है, रुकी हुई है? अबे यार, उस दिन तो तेरी वजह थे, मैं माथे पिटते पिटते बताऊं। यार वैसे अगर आंटी तुझे पीटती तो बहुत मजा आता ना चिंगुर। चलो अब धर दाने दो, नहीं तो आज थत में माँ मुझे पीट ही देंदी। मोटू झिंगुर और जग्गू अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जग्गू गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाजार से चीनी लेकर घर जा ही रहा होता है।
क्योंकि तभी उसके सामने से जुगनू चोर एक साधु के भेष में आ रहा होता है। वाह 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 वाह, ये गांव तो बहुत ही सुंदर है, कुछ दिन इसी गांव में रुकने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। नमस्ते थादू बाबा, आप कौन है? इस गांव में नए लगते हैं। लगता है इसने मुझे सच में साधु समझ लिया है। मैं एक तपस्वी साधु हूँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग कभी जगह पर निवास नहीं करते। और हाँ, वैसे मैं अभी विध्यांचल पर्वत से आ रहा हूँ। विध्यांचल? मैंने तो बस हिमालय पर्वत के बारे में सुना है, विध्यांचल पर्वत भी है? ये तो थादू बाबा, आज आपसे पता चला है मुझे, ये पर्वत विदेश में होता, तभी मुझे इस पर्वत के बारे में पता नहीं चला। मुझे तो ये कोई बुद्धू ही लगता है। जुगनू चोर जग्गू से बात कर ही रहा होता है कि तभी कालिया वहाँ आ जाता है। अरे जग्गू, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तालिया दादा, मुझे थोड़ो, आप इनसे मिलो, ये एक प्रसिद्ध और अंतर्यामी साधु बाबा हैं। प्रणाम साधु बाबा, कौन है आप और कहाँ से आए? अले तालिया ताता, ये बहुत बले थादू बाबा है, और तुम्हें पता है ये विध्यांचल पर्वत थे सीधा हमारे गांव में आए हैं। क्या, विध्यांचल पर्वत से? ये पर्वत हमारे गांव में कब आया भाई? मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला। मुझे तो लगता है कि इस गांव के सभी लोग बुद्धू हैं। अले तालिया ताता, तय थी बात कर रहे हो, विध्यांचल पर्वत हमारे गांव में नहीं है, ये पर्वत तो विदेश में है। अगर थोड़ी देर और मैं यहाँ रुका तो मैं भी इन्हीं लोगों की तरह बुद्धू बन जाऊंगा। जुगनू बेटा, चल अब जल्दी से खिसक ले यहाँ से। ठीक है जग्गू बेटा, मैं अब चलता हूँ। अले थादू बाबा, आपको तो मेरा नाम भी पता है। अबे कितना बुद्धू है ये, अभी तो इस नशेड़ी ने इसका नाम लिया है। क्या हुआ बाबा, आप हत्यू रहे हैं? हाँ, मैंने कहा था ना जग्गू बेटा कि मैं बहुत अंतर्यामी हूँ, मुझे सब पता है। लगता है मुझे अपना ठिकाना मिल ही गया, कुछ दिन इसके घर में रह लेता हूँ। हाँ बाबा, आप तो बहुत अंतर्यामी है। अरे जग्गू बेटा, तुम्हारा ये गाँव तो बहुत ही सुंदर है, सोच रहा हूँ कि कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ। हाँ बाबा, हमारा गांव तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आप एक काम करिए, आप तो दिन मेरे घर में रह लीजिए, आपकी सेवा करते मुझे और मेरी माँ तो बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ बाबा, मेरे हाथ का थाना थातर आप बहुत थुत हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तू अगर इतना बोल रहा है तो मैं तेरे साथ चल ही लेता हूँ। हर हर महादेव, बम बम बोले। माँ देखो, हमारे घर कौन आया है। माँ तुमको पता है ये बाबा विध्यांचल पर्वत थे सीधा हमारे गांव आए हैं, इसलिए मैं इनकी कुछ दिन सेवा करने के लिए इन्हें धर ले आया। और माँ तुम्हें पता है थादू बाबा, तो मेरा नाम भी पता है, थादू बाबा बहुत अंतर्यामी है माँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आइए आइए साधु बाबा, आप हमारी इस छोटी सी झोपड़ी में आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ 2-3 दिन आराम से रहिए, आपकी सेवा सत्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। ये मेरा बेटा बहुत अच्छा खाना बनाता है। मैं यहाँ रह तो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम दोनों मेरी सेवा अच्छे से कर पाओगे? हाँ बाबा, आप आराम से यहाँ रहिए, हम अच्छे थे आपकी सेवा करेंगे, आप तो थितायत था तो ये भी मौता नहीं देंगे। मैं आप तो अपने हाथों थे अच्छा अच्छा थाना बनाकर खिलाऊंगा, देखना बाबा आप मेरे हाथ से बना थाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। साधु बाबा की सेवा करते मैं पुण्य कमाऊंगा, लेकिन मैं उस पुण्य का त्याग करूंगा, मैंने तो माँ से ये पूछा ही नहीं। मुझे लगता है शायद पुण्य कमाकर मैं अपनी माँ से था दिन दिन भर आराम से बेहतर था सकता हूँ। अरे वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, आप लोगों ने तो मेरी सेवा की पूरी तैयारी कर रखी है। हाँ साधु बाबा, आपने जो भी कहा था वो सब मेरे बेटे जग्गू ने बनाया है। चलिए अब आप खाना खाना शुरू कीजिए। मजा आ गया, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत दिन बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया है। साधु बाबा, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा बेटा जग्गू बहुत अच्छा खाना बनाता है। क्या बात है माँ, पहली बार तुमने मेरी तिथि के सामने तारीफ दी है। चल चल, अब ज्यादा मत बोल। अथे बाबा, आप तो ऑल थाना लातल दूं क्या? अरे बेटा नेकी और पूछ पूछ, अरे अगर और खाना है तो लाकर दो। लुतिए बाबा, मैं आपके लिए ऑल थाना लेता लाता हूँ। बेचारा जग्गू जुगनू चोर के लिए भर भर कर खाना लेकर आता है, और वो जुगनू चोर सारा खाना जल्दी जल्दी खत्म कर देता है। जुगनू चोर को ऐसे खाना खाते देख बेचारा जग्गू और उसकी माँ परेशान हो जाते हैं। अब आया ना मजा,
बेटा अब तेरी सेवा सफल होगी। अब आप जाकर हाथ धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे जग्गू तू ये किसे ले आया है, ये तो 10 लोगों का खाना एक बार में ही खा गया। अरे माँ पले थान मत हो, मेरी थेवा तो फल हमें दलूल मिले था और बहुत थाला मिले था। जुगनू चोर के सारा खाना खा जाने के बाद बेचारे जग्गू और उसकी माँ को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अरे जग्गू, ओ जग्गू, कहाँ है रे तू, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो लेकर आ। ये लो माँ तुम्हारी चाय। अच्छा अच्छा, तूने साधु बाबा को चाय दे दिया? नहीं, अच्छी तरह से बाबा की सेवा करनी है, नहीं तो बाबा को गुस्सा आ गया तो वो फल की जगह शराब दे के जाएंगे। हाँ नहीं नहीं माँ, मैंने थादु बाबा तो भी ताया बनाकर दे दिए। अच्छे माँ, ये थादु बाबाओं के पास भी दादुई थत्तियाँ होती है ना? हाँ और क्या, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, वो साधु लोग बैठकर तपस्या करते हैं, उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो माँ मुझे बाबा थी ज्यादा थेवा तलनी पले थी, उनसे बोलने से पहले ही मुझे उन्हें वो थप दीद देनी होती, दीदी उन्हें दलूलत है। हाँ चल तू बाबा की सेवा कर, मैं बाजार से सामान लेके आती हूँ। अले मुझे थादु बाबा थी थत्तियों तो देखना है, लेकिन तैथे। जग्गू की माँ बाजार से सामान लेकर घर के अंदर जा ही रही होती है कि तभी सरपंच के साथ राम प्रसाद दरोगा जीप में बैठकर उसके घर के आगे जीप रोकते हैं। अरे सरपंच जी, आप आज इधर कैसे आना हो गया, और वो भी दरोगा जी के साथ? अरे जग्गू की माँ, जुगनू नाम का एक चोर गांव के अंदर ही छुपा हुआ है। क्या कहा सरपंच जी आपने? हाँ, और मुझे लगता है कि वो गांव के अंदर किसी न किसी के घर में वेश बदल कर रह रहा है। क्या वेश बदल कर? ये तो बहुत ही डरने वाली बात है। डर की बात तो है ही, क्योंकि वो चोर बहुत खतरनाक चोर है। अरे जग्गू की माँ, ये तुम्हारे घर से इतना सारा धुआं कैसे निकल रहा है? घर में से इतना सारा धुआं निकलता देख जग्गू की माँ भागती हुई घर में जाती है, और सरपंच और दरोगा भी जल्दी से जग्गू के घर की तरफ जाते हैं। अरे अरे, ये इतनी सारी आग कहाँ से लग गई? अरे बचाओ रे, अरे बचाओ बचाओ, मैं तो जल गया रे। अरे कोई बचाओ रे, जल गया रे मैं तो। अरे अरे मेरे को बचाओ, मैं आग के बीचों बीच फंस गया। अरे अरे बचाओ। अरे क्या बात है थादु बाबा, आग में बैठ कर तो आपकी दाली मूत भी निकल गई। ये आग कहाँ से आई है? मैंने थोता आप इतनी थत्ती थाली है, तो आपके पास इतनी थत्ती है ये देखने था बहुत मन था इसलिए थोता। अरे बुद्धू इंसान, जल्द से जल्द इस आग को बुझाने का इंतजाम कर, नहीं तो मैं इस आग में जल जाऊंगा। लगता है थादु बाबा ज्यादा दुत्था होते हैं, तुतना दुत तो तरना पड़ेगा। अरे ला रे ला, इधर ला, इधर डाल पानी। जग्गू जैसे ही आग में पानी डालता है तो जुगनू आग से बचकर भागता हुआ केले के छिलके पर फिसल जाता है। लगे रे, कोई तो उठाओ। जैसे ही दरोगा जुगनू को उठाता है तो जुगनू दरोगा को देखकर डर जाता है। अरे ये तो है जुगनू, जैसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, और ये तुम्हारे घर में छुपा हुआ था। अरे दरोगा जी, आपका मतलब है कि ये चोर है? हाँ जी, आपने सही समझा, ये कोई साधु बाबा नहीं है, ये एक शातिर चोर है जिसकी पुलिस को कब से तलाश थी। अरे जग्गू, ये घर के अंदर से इतना सारा धुआं क्यों निकल रहा है, क्या किया है तूने अब? अले माँ, तुमने कहा था ना कि थादु बाबा तो तिथि भी तीत पे फर्त नहीं पड़ता है, चाहे कितनी भी ठंड हो, गर्मी हो या फिर बलथात हो। तो मैंने थोता कि एक बार थादु बाबा का ये चमत्कार मैं भी देख लूं, इसलिए मैंने थादु बाबा के बित्तल के आसपास आग लगा दी थी। मुझे देखना था थी ये तैथे अपने आप को अपनी थकतियों से बताते हैं। अरे मेरे जग्गू रे, इधर आ मेरे पास आ। लगता है मैंने फिर तो दलबल तल दी। ये लो माँ, दे दे मुझे मेरी थेबा का फल। अरे रे मेरे प्यारे बेटे, इधर आ मेरे गले लग जा। अब देखो कहते मुझे प्यार कर रही है माँ।